वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, कठिन टॉपिक माना जाता है, परंतु मैं हूँ टेंशन मत लो, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। अपना टॉपिक है सापेक्ष एवं निरपेक्ष विन्यास। ये टॉपिक आया कहाँ से, जब एमिल फिशर ने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया था, जो अपनों पहले वाला टॉपिक पढ़ा था फिशर प्रक्षेपण सूत्र, वहीं से ये बात निकली भी इनकी आकाशीय व्यवस्था क्या होगी, ये जितने भी यौगिक हैं इनकी परमाणु की व्यवस्था को कैसे प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार ये यहाँ पे अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात आती है विन्यास कहते किसको है। किसी भी अणु में परमाणु की आकाशीय व्यवस्था को उसका विन्यास कहते हैं। अगर अपने बात करें प्रकाशिक समावयवता में, तो अपने को पता है वहाँ पे अपने पढ़ते हैं असममित कार्बनिक यौगिक। और अपने को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो असममित कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें दो प्रकार के विन्यास संभव होते हैं, उनमें से एक है सापेक्ष और दूसरा है निरपेक्ष। तो कितने प्रकार के विन्यास संभव है असममित कार्बन परमाणु में, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो ये दोनों होते क्या है, पहले इसका बेसिक बताएंगे, फिर अपने उदाहरणों से समझेंगे ये होता क्या है। विन्यास मैंने बता दिया, परमाणु की ज्यामितीय व्यवस्था मतलब आकाशीय व्यवस्था, अणु में परमाणु की आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय व्यवस्था। अब बात है असममित जो कार्बन परमाणु होता है उसमें दो प्रकार के विन्यास संभव है, एक तो होता है निरपेक्ष दूसरा होता है सापेक्ष। बहुत ही कठिन लैंग्वेज है तुम्हारी बुक में, इसलिए थोड़ा सिंपल भाषा में बताऊंगा मैं तुम्हें। सबसे पहले निरपेक्ष, निरपेक्ष बोलते हैं किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास उसका निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास, तो कहने का मतलब है यौगिक का वास्तविक विन्यास अगर मैं यहाँ पे सापेक्ष की बात करूँ, सापेक्ष क्या होता है देखो भी, सापेक्ष के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ तुम्हें। मैंने अपने साइंटिस्ट थे एक तो फिशर, दूसरा साइंटिस्ट था रोजेनॉफ, तीसरा साइंटिस्ट था होमसन। ज्यादातर बुकों में लिखा हुआ नहीं नाम है, एक और साइंटिस्ट था बता देता हूं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इसका नाम होमसन। तीनों वैज्ञानिकों ने ग्लिसरेल्डिहाइड, आगे क्या बात समझ में, ग्लिसरेल्डिहाइड है उसके विन्यास को मानक मानकर, मतलब उसके विन्यास को माना अपनी स्वेच्छा के अनुसार, ग्लिसरेल्डिहाइड में OH इधर की तरफ होगा तो ये विन्यास होगा, अगर ग्लिसरेल्डिहाइड में OH इधर की तरफ होगा तो विन्यास ये होगा। तो इस प्रकार इस ग्लिसरेल्डिहाइड के आधार पे दूसरे अन्य यौगिकों का विन्यास अपने ज्ञात करते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, उसका सापेक्ष विन्यास। कहने का मतलब वो रियल नहीं है। जैसे आपको उदाहरण से इसका आप इंग्लिश में नाम पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव। अब जैसे दो जने हैं, अब मान लो वो मेरा भाई लगता है, कैसे लगता है, मेरे पापा की सिस्टर का लड़का, तो वो अपना रिलेटिव हो गया, सगा नहीं है। अगर सगा हो तो अपने क्या लगते हैं, वो मेरा सगा भाई है, वास्तविक भाई है। तो ये तो हो गया वास्तविक। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, किसी दूसरे यौगिक के विन्यास को मानक मानकर
उसके विन्यास से किसी दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात करना। इस चीज को मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाऊंगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे करता हूँ परिभाषित, बोलते किसको है, फिर अपने उदाहरण से समझेंगे। किसी यौगिक को मानक मानकर, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, मानक मानकर किसी यौगिक को मानक मानकर दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात किया जाए तो उस विन्यास को सापेक्ष विन्यास कहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ भैया। अब अपने मैं तुम्हें उदाहरण से समझाऊंगा कैसे, थोड़ा सा मैं उदाहरण लूंगा तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। अब मैं ये क्लियर कर दूं, निरपेक्ष का तो अपने समझने की जरूरत नहीं है, उसका वास्तविक विन्यास एक्स किरणों से अध्ययन से पता लग जाता है, बाद में पता लगा था। सबसे पहले सापेक्ष विन्यास आया था, उससे पहले अपने सापेक्ष पढ़ेंगे, निरपेक्ष ही पहले। तो अपने विन्यास में पढ़ते हैं सबसे पहले सापेक्ष विन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तीन साइंटिस्ट मैंने बताया था, मगर बुक में तुम्हारे रोजेनोफ का नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रखा है। रोजेनोफ सन 1905 से 6 कर देता हूं मैं, किसी बुक में 5 लिखा हुआ है, किसी में 6, ठीक है, ने क्या किया, ग्लिसरेल्डिहाइड के विन्यास को मानक माना, माना अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मतलब कोई अध्ययन करके नहीं माना, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से माना विन्यास। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले ग्लिसरेल्डिहाइड का अपने फॉर्मूला बनाते हैं यौगिक, कैसे माना देखो, ग्लिसरेल्डिहाइड होता क्या है, CHOC, इधर की तरफ मैंने कर दिया OH, इधर की तरफ आ जाएगा H, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा CH2OH। उन्होंने कहा यदि OH है, अब देखो ये अपने फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जाए अपने, तो इसको अपने कौन सी रेखा बोलते हैं बताओ, ऊर्ध्वाधर, ये हो गई क्षैतिज, मुख्य श्रृंखला के बाद में ये जो प्रतिस्थापी समूह है, इनमें यदि OH समूह है, OH समूह के लिए बारे में बात की थी उन्होंने, ग्लिसरेल्डिहाइड में OH समूह है, अगर दाईं ओर हो तो उसको बोला डी विन्यास, कौन सा विन्यास बोला उनको, डी विन्यास। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखो कैसा दिखाई देगा, यहां पे C, इधर की तरफ बताओ क्या आ जाएगा CHO, इधर की तरफ आ जाएगा CH2OH, इधर की तरफ क्या आ जाएगा बताओ H, और OH बताओ किधर की तरफ दिखाई देगा, इधर की तरफ। यदि OH समूह क्या हो, बाईं ओर हो, और H क्या हो, दाईं ओर, उस विन्यास को कहा L विन्यास। तो ग्लिसरेल्डिहाइड के दो विन्यास बताए उन्होंने, रोजेनोफ प्लस फिशर का, तो वो फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिए इसलिए फिशर लिख देते हैं साथ में आगे। तो अगर OH क्या हो, दाईं ओर, कौन सा विन्यास, डी विन्यास, बाईं ओर मतलब L विन्यास। मैं पहले ही बता देता हूं, एक अपने पढ़ चुके हैं स्मॉल डी और एक स्मॉल L, वो घूर्णता के बारे में है भाई, घूर्णन के बारे में है, इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। कह दो सर D घूर्णन होगा या L घूर्णन होगा,
ठीक है, कोई दक्षिणावर्त को स्मॉल डी में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, वामावर्त को स्मॉल एल में। ये किसके बारे में कर रहा है अपने को प्रदर्शित, विन्यास के बारे में, बड़ा डी और बड़ा एल। आगे क्या बात समझ में, इसका उससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। आगे क्या बात समझ में, तो ओ एच अगर कहाँ पे हो, दाईं ओर, कौन सा विन्यास होगा, डी विन्यास। ओ एच अगर क्या हो, बाईं ओर, कौन सा विन्यास होगा, एल विन्यास। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या, समझ में आ गई एनी प्रॉब्लम्स। अब ये तो मानक विन्यास हो गया, मैंने तुम्हें परिभाषा में लिखाया था किसी योगी के मानक विन्यास के आधार पर, समझ में आ गई मेरी बात, उसी दूसरे योगी का विन्यास ज्ञात किया जाए। अब इसी के आधार पर क्या किया गया, ग्लूकोज का विन्यास अपने निर्धारण किया गया। ग्लूकोज का उदाहरण लेके बताता हूँ, क्योंकि ग्लूकोज की संरचना आपके आगे वाले जीव अणु चैप्टर में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इधर बना रहा हूँ ग्लूकोज, सी इधर की तरफ होता है, ओ एच ये संरचना फिक्स होती है, ओ एच एच इसमें ध्यान रखना इधर आ जाएगा एच, और इधर की तरफ क्या होता है ओ एच, गिन लेना भी, सी सिक्स एच बारह ओ सिक्स, सी इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा सी इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच, इधर की तरफ आ जाएगा एच, फिर अपने क्या आ जाएगा सी एच टू, और इधर की तरफ आ जाएगा ओ एच। ध्यान से देखिए इस ग्लूकोज को, मैं इधर लिख देता हूँ ये क्या है भाई, ग्लूकोज। इसका विन्यास ज्ञात करना बहुत ही कठिन है, देखो कितने सारे समूह जुड़े में हैं इसके साथ, ओ एच एच वगैरह, तो इसलिए क्या किया, इसका विन्यास किसके आधार पर किया गया, ग्लिसरेल्डिहाइड के विन्यास के आधार पर किया गया। इसलिए ग्लूकोज का विन्यास कौन सा हो जाएगा, सापेक्ष विन्यास। कैसे किया गया, अब मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, लास्ट में देखिए इधर मैंने ये गोल कर दिया है राउंड, इसको मैच करो इसके साथ, किसके साथ मैच करोगे बताओ, ये नीचे वाला पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है, सॉरी मार्कर चल गया यहाँ पे, हाँ बताओ भाई यहाँ पे किसके साथ मैच कर रहा है, इधर वाला पार्ट बताओ किसके साथ मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या डी के साथ मैच कर रहा है, सही है, हाँ भाई ये किसके साथ मैच कर रहा है, डी विन्यास के साथ मैच कर रहा है। इस आधार पे अपने यहाँ पे कह सकते हैं भी ग्लूकोज का जो विन्यास है वो किसके विन्यास से मैच कर रहा है, ग्लिसरेल्डिहाइड के डी विन्यास से। इस आधार पर ग्लूकोज का विन्यास अपने क्या लिख देंगे, डी ग्लूकोज। समझ में आ गई क्या बात, और ये डी विन्यास जो ग्लूकोज का लिखा है वो कौन सा विन्यास हो जाएगा, सापेक्ष विन्यास। अब मैं यहाँ पे परिभाषा बोल रहा हूँ सापेक्ष विन्यास से, यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। देखिए ध्यान से, किसी भी यौगिक के मानक विन्यास के आधार पर किसी दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात किया जाए तो उस विन्यास को अपने क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास कहते हैं। बोलिए भी समझ में आ गई, यहाँ से एक और चीजें पता लगी अपने को, ये बोलो समझ में आ गया क्या, सापेक्ष विन्यास। उदाहरण दे देंगे अपने ग्लूकोज का, हाँ भाई कोई भी शर्करा आप ले सकते हो यहाँ पे, चले अपने नेक्स्ट, हाँ भाई साथ में ये भी माना गया अगर किसी भी यौगिक को डी विन्यास से प्राप्त किया जाए तो, लाइन ध्यान से सुनना दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर किसी भी यौगिक के विन्यास को किसी भी यौगिक को डी विन्यास से प्राप्त किया जाए तो उस यौगिक का विन्यास भी क्या होगा, डी होगा। आगे क्या बात समझ में, अगर किसी भी यौगिक को एल विन्यास वाले यौगिक से प्राप्त किया जाए तो उस यौगिक का विन्यास क्या होगा, एल विन्यास ही होगा। इसको अपने समझाते हैं एक उदाहरण से, ध्यान से देखना, ग्लिसरेल्डिहाइड लेते हैं, बताओ डी ले या एल, चलो डी लेते हैं क्योंकि डी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे, क्योंकि उसके उदाहरण ज्यादा है, देखो भी अपने लेते हैं डी, डी में बताओ ओ एच कहाँ पे आ जाएगा, दाई ओर, एच आ जाएगा कहाँ पे, बाई ओर, इधर की तरफ क्या लिख दूंगा बताओ, याद हो गया, हो गया ग्लिसरेल्डिहाइड का फॉर्मूला, इधर की तरफ आ जाएगा सी एच ओ, इधर की तरफ मैं क्या कर दूंगा, इधर की तरफ आ जाएगा सी एच टू ओ एच। आगे बात समझ में, नाम बताओ इसका क्या है, डी विन्यास है क्योंकि ओ एच किधर की तरफ है, ओ एच दाई ओर है। अब इसके आगे क्या लिख देंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड, अब मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ, इसका ऑक्सीकरण करता हूँ, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, HGO
यूरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे जो ऑक्सीकरण होगा वो एल्डिहाइड का होगा, ओनली किसका होगा थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे अपने आगे आएगी रिएक्शन वाले चैप्टर में। CHO है, एक ऑक्सीजन और लगा दो क्या आ जाएगा बताओ, CHO में ऑक्सीजन लगाओ एक और क्या आ जाएगा, CHO किस में बदल जाएगा, COOH में, तो लिख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, इधर की तरफ बताओ क्या आ जाएगा COOH, किधर की तरफ आ जाएगा दाई ओर, H किधर की तरफ आ जाएगा बाई ओर, और इधर की तरफ क्या कर देंगे CH2OH। बोलो भाई समझ में आ गई बात, ये किसका फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ऑक्सीजन मैंने इधर कर दिया इसका मतलब डी ग्लिसरेल्डिहाइड का क्या हो गया ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण हुआ है कौन से समूह का CHO का, आगे बात समझ में, इसको अपने बोलते हैं ग्लिसरिकमल। अब इसका क्या बोले, डी बोलेंगे या एल, मैं तुम्हें पहले बोला यदि किसी योगी को डी विन्यास से प्राप्त किया जाए तो उस योगी का भी विन्यास क्या होगा डी होगा, इस आधार पे अपने कह सकते हैं इसको अपने क्या बोलेंगे डी ग्लिसरिकमल। आगे क्या बात समझ में, अब अपने करते हैं एक अभिक्रिया और, यहाँ पे इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा दूं PCl3 से, याद आ गई क्या, अगर आपको देखना है PCl3 से अभिक्रिया तो मेरा पार्ट है हैलोजन व्युत्पन्न हिंदी मीडियम भाग दो, उसमें ये रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा रखी है, ठीक है। यहाँ पे तो अपने विन्यास पढ़ रहे हैं इसलिए सीधे लिखूंगा मैं फिर से बोल रहा हूँ हैलोजन व्युत्पन्न भाग दो, वो वाला वीडियो देख लेना, PCl3 की यहाँ पे किससे अभिक्रिया होगी अल्कोहलिक ग्रुप OH के साथ, यहाँ पे नहीं होगी इसके प्राइमरी कार्बन पे पहले होगी, आगे बात समझ में, इधर की तरफ OH। अब आगे सुनो भाई, PCl3 से करा दो या आपकी बुक में लिखा हुआ है इसकी जगह लिख सकते हो, मैंने तुम्हें बताया था फास्फोरस प्लस Br2, इसको अपने क्या बोलते हैं PBr3 बोलते हैं, मैंने तुम्हें डिटेल से बताया था, अधिक जानकारी के लिए हैलोजन व्युत्पन्न भाग दो में संपर्क करें, ठीक है भाई। आगे देखो अपने, अब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तुम्हें पता ही है क्लोरीन आ जाएगा इधर की तरफ और OH कर लेगा इसके साथ अभिक्रिया, याद होगा तीन मॉलिक्यूल लेते हैं इसके, अभिक्रिया इस प्रकार है, तो मैं सीधा आपको वैसे ही समझा देता हूँ, सी इधर की तरफ आ जाएगा COOH और इधर की तरफ आ जाएगा H, इधर की तरफ आ जाएगा OH सॉरी इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH2Cl। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, CH2Cl अपने ने इधर की तरफ लगा दिया, आगे बात समझ में। अब देखो आगे की तरफ, ये भी डी विन्यास होगा मगर ये कोई महत्वपूर्ण यौगिक नहीं है इसलिए नाम नहीं लिखेंगे, RBC के आधार पे चल रहा है ये काम, आगे बात समझ में। देखो भाई अब मैं इसका यहाँ पे करता हूँ अपचयन, अपचयन का मतलब क्या होता है भी बताओ मुझे, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ेगा काफी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभिक्रिया करके HCl बना लेगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ, देखो ये इधर की तरफ है CH2Cl, एक हाइड्रोजन आया भाई इसने अभिक्रिया कर ली क्लोरीन के साथ क्या बन गया HCl, और इधर की तरफ एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH2 किस में बदल जाएगा CH3 में, तो क्या आ जाएगा अपने पास इधर की तरफ COOH, इधर की तरफ आ जाएगा COOH, इधर की तरफ रख देता हूँ इधर की तरफ आ जाएगा H और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3। ध्यान से देखिए इस यौगिक को, ये यौगिक जाना पहचाना है, अपनों ने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था इस यौगिक के बारे में, मैं नाम लिख देता हूँ, इसको बोलता है लैक्टिक एसिड, क्रियल कार्बन में उदाहरण में लिखा था ये अपनों ने लैक्टिक अम्ल। कौन सा विन्यास होगा लैक्टिक अम्ल का, ध्यान से देखो इस पूरी अभिक्रिया को, इसको किससे प्राप्त किया गया है, इसको डी विन्यास से प्राप्त किया गया है और डी विन्यास से प्राप्त किया गया है, इस आधार पे अपने कह सकते हैं जो प्राप्त होने वाला यौगिक होगा वो भी क्या होगा डी विन्यास वाला होगा, और लैक्टिक अम्ल को यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर इस यौगिक के आधार पे डी लैक्टिक अम्ल बोलेंगे, समझ में आ गई क्या, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैंने थोड़ा ट्रिकली बता दिया तुम्हें, बोलो भाई समझ में आ गई, सापेक्ष विन्यास डी से क्या बनेगा डी, प्रूफ कर दिया मैंने इधर, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे, आगे अपने पढ़ते हैं निरपेक्ष विन्यास, निरपेक्ष विन्यास में कोई अभिक्रिया नहीं है वैसे ही बता देता हूं मैं तुम्हें, निरपेक्ष विन्यास
इस लेक्चर को सुनना और बुक में एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। मैं पहले बोल रहा हूँ, कोई नोट्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, बुक में सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखो भी नेक्स्ट अपने आ जाएगा निरपेक्ष विन्यास। क्या हो जाएगा, किसी यौगिक का, क्या बोलो भी, मैंने बोल के बताया था तुम्हें, लिखा भी था शायद, किसी यौगिक का वास्तविक विन्यास। उसका क्या कहलाता है भी, किसी यौगिक का वास्तविक विन्यास, उसका निरपेक्ष विन्यास कैसे पता लगा? विच वोएट साइंटिस्ट था सन 1950 में, उन्होंने एक्स किरणों का अध्ययन, एक्स किरणों से यौगिकों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने पे पता लगा जो सापेक्ष विन्यास वाले यौगिक थे। आगे क्या मतलब, जिनका अपनों ने मानक विन्यास माना था वो वास्तव में उसी विन्यास वाले थे। एक्स किरणों के ध्यान से पता लगा, वास्तव में OH इधर की तरफ होता है और दूसरे में इधर की तरफ होता है। आगे क्या, एक को माना है D और उधर की तरफ क्या हो जाएगा L। आगे क्या बात समझ में, तो एक्स किरणों के ध्यान से पता लगा ये जो अपने मान रहे थे मानक विन्यास, वो वास्तव में क्या था, उसका विन्यास था, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विन्यास। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, उदाहरण वही आ जाएंगे और लिख देंगे अपने, ये वास्तव में इसका विन्यास है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। मैंने तुम्हें बताया था सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास क्या होता है, उस यौगिक का निरपेक्ष विन्यास होता है, और किसी यौगिक के मानक विन्यास या मानक, किसी यौगिक को मानक मानकर किसी दूसरे यौगिक का विन्यास ज्ञात करना क्या कहलाता है, उसका सापेक्ष विन्यास। तो सापेक्ष विन्यास क्या हो गया, रिलेटिव विन्यास, और निरपेक्ष विन्यास क्या हो गया, उसका वास्तविक विन्यास। बोलो भी, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछने वाली बात है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, और RBSE में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ भी, अब अपने थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। रासायनिक मिश्रण, क्या होता है रासायनिक मिश्रण, थोड़ा सा मैं डायग्राम से बता रहा हूं। देखो, आपको याद होगा समतल ध्रुवीय प्रकाश बनाया था अपनों ने शुरू शुरू वाले पार्ट में, मैं फिर से बोलू क्या? हाँ भाई, पता लग गया, समतल ध्रुवीय प्रकाश, किसी साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में गुजारने से प्रकाश का तल एक ही दिशा में कंपन करता है, उसको क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवीय प्रकाश। इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को किसी ऐसे यौगिक में से गुजारो, वो यौगिक उसको कहां पे घुमा दे, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में, उसको अपने क्या कहते हैं, बताओ भी, डी। मैं थोड़ा सा वैसे ही बना रहा हूँ। आगे, अगर किसी यौगिक, ऐसे यौगिक में से गुजारे समतल ध्रुवीय प्रकाश को, वो उसको कहाँ घुमा दे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। आगे क्या, उसको अपने क्या बोलते थे, अपने उसको बोलते थे L। अब अपने पास दो यौगिक हो गए, एक यौगिक, यौगिक वही है, सूत्र वगैरह वही है, मगर दोनों यौगिक में करेक्टर लगे, एक डी में घुमा रहा है, एक घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहा है, एक विपरीत दिशा में, ये अपने समझ चुके हैं। देखो भाई, अगर मैं दोनों का 50-50% मिश्रण ले लूँ, सम अनुक मिश्रण ले लूँ, 50% ले लूँ इसको, 50% ले लूँ मैं इसको, और दोनों सौ मिलाकर एक नया मिश्रण बनाऊँ, इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक मिश्रण। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो डी और एल के, स्मॉल डी और एल की बात चल रही है यहाँ पे, डी और एल के सम अनुक मिश्रण को ही अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक मिश्रण। फिर अपने पढ़ेंगे इसका वियोजन और रासायनिक मिश्रण की कुछ लक्षण जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको पहले बुक पढ़नी है,
नोट्स बाद में पढ़ने हैं, नोट्स में लैंग्वेज आपकी बुक की जो लैंग्वेज है वो सबसे सिंपल लैंग्वेज है, उससे सिंपल आपको कहीं नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। पहले बुक पढ़ो उसके बाद में नोट्स पढ़ो, इससे आपके ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।